नई दिल्ली से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत की इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी ने एक सिख हलैद की पसंद रहनमा के खिलाफ एयर इंडिया को धमकी देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। डेली डॉन के मुताबिक रुपतौन सिंह पन्नू नामी सिख रहनमा की तरफ से धमकी दी गई थी कि वो एयर इंडिया को दुनिया में कहीं भी काम नहीं करने देंगे। उनकी तरफ से एयर इंडिया के मुसाफिरों को मतनबा किया गया था कि उनकी जान को खतरा है। एजेंसी ने कहा है कि रुपतौन सिंह पन्नू की इस धमकी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट कर दिया गया है। रुपतौन सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर हैं, FFJ नामी। ये ग्रुप भारत से आजादी हासिल करने और आजाद सिख वतन खालिस्तान कायम करने की मुहिम चला रहा है। रुपतौन सिंह पन्नू की तरफ से एयर इंडिया को ये धमकी 4 नवंबर को जारी किए गए अपने एक वीडियो पैगाम में दी थी। वीडियो में उन्होंने सिखों पर जोर दिया था कि वो इतवार से एयर इंडिया के प्रवासों में सफर न करें, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रुपतौन सिंह पन्नू अमरीका में मुकीम है और उनके पास अमरीका और कनाडा दोनों ममालिक की शोहरियत है।